हेलो दोस्तों, शेडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2019 का आज हम लोग कटक का एनालिसिस करेंगे। कट ऑफ कितने जाने वाला है, कितना होगा सेफ स्कोर आपका मेल फीमेल दोनों के लिए। फीमेल पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टोटल वैकेंसी देख लीजिए कितने हैं, यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है मेल फीमेल मिलाकर यहाँ पर देख लीजिए 902 है, जिसमें से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 27 वैकेंसी अलग है 3% के करीब, जिसमें से 902 में से 3% घटा दीजिए तो लगभग आपको 875 वैकेंसी है। इसमें से 35% घटाइए क्योंकि महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है, इसमें से आपको निकल कर आ जाएगा 306 सीटें। 306 सीट में 27 सीट जोड़ लीजिए तो 306 सीट है, इसमें 27 अगर जोड़ते हैं तो लगभग आपके निकल कर आ जाता है 333 सीट के करीब महिलाओं का सीट है। इसलिए मैंने बताया महिलाओं का कटअप कम जाएगा, क्योंकि महिलाओं ज़्यादातर चोरी भी नहीं की गई है और महिलाओं मोबाइल भी नहीं ले गई हैं अंदर, इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। हाँ, लड़के सब मोबाइल अंदर ले गए हैं, चोरी किए हैं काफ़ी, तो उनके कटअप काफ़ी हाई जाने वाला है। पहले हम लोग फीमेल और मेल के बाद दोनों कटअप के बारे में जानने से पहले मैं कुछ बात आपको जरूरी है जो बताना चाहता हूँ। जैसे कि पेपर आउट हुआ है, सर्कुलेट हुआ है आंसर की, ये सब लोग जान रहा है, यहाँ तक कि मैंने पेपर हिंदुस्तान न्यूज़ में खबर भी दे दिया है, लेकिन देखिए वो कब प्रिंट हो रहा है। और फिर दूसरा बात ये रहा कि जो चोरी हुआ है ये कहाँ से हुआ है, तो ये ऊपर लेवल से हुआ है, ये जो अंदर के टीचर हैं वहीं सब चोरी कराए हुए हैं, ठीक, वहीं क्वेश्चन भेजे हैं आंसर लिखकर और सारा सर्कुलेट हुआ है पूरे बिहार में। पटना का जहाँ मैं सेंटर पर था वहाँ तक 12 बजे तक कोई मेरे पास आंसर नहीं आया था, जहाँ मैं जो सेंटर पर था, लेकिन और जगह 9:30 बजे के करीब ही का तो आंसर पहुँच गया है। तो ये सबसे बड़ा ये था कि मतलब कि पढ़ने वाले स्टूडेंट खत्म, मतलब उनके लाइफ खत्म हो रहा है बिहार से, और जो चोरी करने वाले हैं उनका बल्ले बल्ले हो रहा है। तो जो चोरी करने वाले हैं तो वो तो एग्ज़ाम कैंसिल कराने से वो तो परहेज करेंगे, लेकिन जो बेचारे एग्ज़ाम ईमानदारी से दिए हुए हैं वो बार बार यही कर रहे हैं कमेंट कि सर एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, ठीक, ये बात सब लोगों के पास पहुँचना चाहिए। ठीक, अब आ देते हैं कि ये जान लेते हैं कि कितना कहाँ सीट है, कितने वैकेंसी आया था। देखिए लगभग 3,11,000 के करीब आपको फॉर्म डाला गया था। मैं जो भी आपका कटअप बताऊंगा वो आपके क्वेश्चन पर बताऊंगा, जो 100 क्वेश्चन है उसमें से आपने कितना क्वेश्चन सही किया, मार्क्स पर नहीं क्वेश्चन पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक, मार्क्स एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स है, निगेटिव 1/3 है, ये भी देख लीजिएगा, बहुत लोग निगेटिव भी किए हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना है, तो ये लगभग 3,25,000 के करीब फॉर्म भरा गया था, 3,11,000 के करीब, इसमें से 60% के करीब लोग एग्ज़ाम दिए हैं, तो लगभग 1,86,000 के करीब लोग एग्ज़ाम दिए हैं, और ये ऑफिशियल डाटा है। ठीक, मैं पता किया हूँ बहुत जगह से। ठीक, फिर गर्ल्स इसमें कितने हैं, तो मात्र 10% गर्ल है, क्योंकि अपना डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिया था, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं था, अलग अलग बहुत दूर तक एग्ज़ाम दिया हुआ है। रोहतास का तो पूर्वी चंपारण दे दिया है, बेतिया दे दिया है, आपका समस्तीपुर सिवान जिला का दे दिया है, गया का दे दिया है, रोहतास, ऐसे कर एग्ज़ाम दिया हुआ है। ठीक, बहुत अलग अलग जिलों का अलग अलग में दिया है। ठीक, फिर बात आता है कि सर यहाँ पर जो मतलब महिला कितना परसेंट थी, तो 10% के उससे भी कम थी महिला, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो लगभग महिलाओं का अगर संख्या निकाल लेते हैं तो 18,000 के करीब महिलाओं अपीयर हुई हैं एग्ज़ाम में, इसमें 18,000 के करीब अपीयर हुई हैं, और उनका सीट कितना है, तो लगभग 333 के करीब सीट है। उसमें भी क्या है, तो उसमें भी यह है कि पासिंग के लिए इतना कम से कम चाहिए। देखिए सामान्य वर्ग की महिला और पुरुष दोनों के लिए 40% चाहिए, पिछड़े वर्ग की महिला, जैसे कि देखिए पिछड़ा वर्ग जो है वो 36.5% चाहिए, और जो EBC जो कहलाते हैं जो पिछड़ा वर्ग के एनेक्सर वन, वो 34% चाहिए, बाकी अनुसूचित जनजाति, जनजाति, ठीक, जाति जनजाति दोनों, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं, ठीक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और पिछड़े वर्ग की महिलाओं, ये दोनों, और दिव्यांग के लिए 32% चाहिए। ठीक, पीछे से आवाज़ आया होगा, ऊपर से कुछ गिरा हुआ है, माफ़ कीजिएगा आवाज़ के लिए, तो 32% चाहिए। तो इतना कम से कम चाहिए तभी आपका रिजल्ट भी बनेगा, और या कटअप पार कीजिएगा, कितना भी कम रहेगा तो इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएंगे, रिजल्ट कोई काउंट नहीं होगा, ये किनारे हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं पुरुष के कितना कटअप जाने वाले, टोटल 100 क्वेश्चन है, देख लेते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में, और ऐसे ही क्वेश्चन भी, जैसे कि आंसर भी ऐसे ही हाईलाइट हुआ है चारों तरफ। पहले हम लोग कटअप के बारे में देख लेते हैं, क्वेश्चन जो था मॉडरेट से इजी भी था और हार्ड भी कुछ क्वेश्चन था, निगेटिव 1/3 भी था। ठीक, ये तो आपको पता ही है। जनरल का जो कटअप जाने वाला है, जनरल का वो लगभग 85 से 90 के बीच, मेल का, मैं मेल का अभी बात कर रहा हूँ, मेल का, ठीक, ये 85 से 90 के करीब जाने वाला है। आपको लग कर कड़वा सच्चाई है ये, लेकिन आपको पता है कि सीट बहुत कम है और इसके अकॉर्डिंग इतना ही जाएगा। ठीक, आपके पिछड़े वर्ग के जो जाएगा लगभग 80 के करीब जाने वाला है इनका, और 85 के करीब जो जाने वाला है वो जनरल का, इसके सामान्य वर्ग का जाने वाला है। ठीक, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसका 75 के करीब जाने वाला है, अनुसूचित जाति के लिए, जिस पहले हम लोग जनजाति देख लेते हैं, क्योंकि 9 सीट ही मात्र है मेल फीमेल में, इसलिए अनुसूचित जो जनजाति उनका भी लगभग 75 से 80 करीब जाएगा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जो है उनका लगभग जाएगा 70 के करीब, इनका कटअप जा सकता है। ठीक, तो ये आप देख सकिएगा 70 के करीब जाएगा। मैं मेल का बात किया, अब फीमेल का बात करते हैं। फीमेल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फीमेल लड़की ज़्यादा चोरी नहीं की है, लड़की से मोबाइल नहीं लिए गए अंदर, डर गई है, काफ़ी डर गई है। ठीक, चांस था ले जाने के लिए, लेकिन डर गई है मोबाइल ले जाने में, क्योंकि बहुत से लड़कियों से मैंने बात किया, जो कि जिसे पढ़ाता मैं उसे भी बहुत से लड़कियों से बात किया। ठीक, तो ये सामान्य वर्ग की जो लड़की है, लड़की के बारे में देख लीजिए, फीमेल के बारे में, सामान्य वर्ग की जो लड़की है वो उसका 65 की भी अगर सही कर दे रही है, 65 में इसकी काट कुट कर नेगेटिव लेकर 65 भी सही है, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, उसके नीचे जो आते हैं, जो कि आपका आ जाए पिछड़ा वर्ग की जो लड़की है उसके 60 के करीब आ जाएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसका भी लगभग वहीं आ जाएगा, अत्यंत पिछड़े वर्ग के करीब
कुछ घट जाता है, जिससे तीन चार क्वेश्चन मिस के तीन चार क्वेश्चन का इफेक्ट हो जाता है, जैसे 10-5 नंबर देखिए, तो ये हो जाएगा लगभग आप 60 के करीब लगा लीजिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो लड़की है, और अनुसूचित जनजाति जो लड़की है उसका भी 60 के करीब ही जाएगा, क्योंकि बहुत कम सीट है, 60 से 65 भी जा सकता है उसका। अनुसूचित जाति को जो जाएगा वो लगभग 55 के करीब जाएगा अनुसूचित जाति का। तो ये मेल फीमेल का कटअप था, मैंने आपको बताया, फिर से सुन लीजिए कि ये था कि सामान्य वर्ग की जो महिला है उसका 65 के करीब जाएगा, पिछड़े वर्ग की जो महिला है उसका 60 के करीब जाएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उसका भी लगभग 55 के करीब जाएगा, 60 से 55 के करीब। अनुसूचित जनजाति जो है उसका जाएगा लगभग 60 से 65 के बीच, क्योंकि उनका सीट बहुत कम है, देखिए यही सीट है मात्र उनका। अनुसूचित जाति का जो महिला है उनका लगभग 55 से 50 के बीच उनका भी रहने वाला है, ठीक। अगर ये चोरी नहीं होता तो इससे भी कम कट ऑफ जाता, क्योंकि निगेटिव था और निगेटिव बहुत पीछे लेकर चला जाता है, 1/3 निगेटिव काफ़ी निगेटिव कहलाता है, और लड़की सब चोरी नहीं कर पाई है, लड़का सब ज़्यादा चोरी किए हैं, और इफेक्ट वहीं पड़ेगा, जैसे कि कुछ लड़के जो है लड़कियों को बता दिए हैं, जैसे कि बैठकर उनके पास आ गया है जब, तो वो पूछी है तो ये बता दिए, तो उससे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 333 का दोगुना रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि दोगुना रिजल्ट देने वाला देगा आपका आयोग, तो 333 का आप दोगुना लगा लीजिए, लगभग 650 के करीब रिजल्ट होने वाला है, ठीक। ये था कटअप, कैसा लगा जरूर बताइएगा। पेपर सर्कुलेट हुआ है, आंसर सारे जगह सर्कुलेट हुआ, इसलिए इस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। लोग बोल रहे थे कि सर कटअप पर वीडियो बनाइए प्लीज़, तो मैंने कोशिश किया बनाने के लिए, ठीक। बाकी मन नहीं था बनाने का, मैं भी आपके साथ तैयारी ही करा रहा था, जैसे बहुत से क्वेश्चन भी आया था, जैसे क का उच्चारण स्थान, ठीक, निजवाचक संज्ञा के बारे में आया, स्वरनाम के बारे में आया था, और आपको सर्वनाम के विशेषण के बारे में आया था, आपको मुहावरा, जैसे कि निबंध नहीं, ये आपको पैराग्राफ जैसे हुआ, गधांश के बारे में क्वेश्चन आया था, प्रवाची, ऐसे बहुत से हिंदी क्वेश्चन आर्टिकल जो भाग संविधान में भाग कितने हैं, यह क्वेश्चन आया था, मौलिक ढांचा के बारे में जो केशवानंद भारती केस है उसके बारे में आया था, आपको आर्टिकल 326 के बारे में आया था। तो लड़के बहुत बताए, खुश थे कि एग्जाम देकर आए थे, लेकिन यही जो हुआ कि पेपर जो सर्कुलेट हुआ यहीं कट ऑफ काफ़ी आगे लेकर चला जाएगा, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर कोई आपके मन में कोई प्रॉब्लम है कोई है मैं जो आपके सोल्यूशन कर सकता हूँ तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। और जो लोग ये होते हैं कि जो लोग चोरी किए हैं वो तो चाहेंगे नहीं, तो अपना कमेंट बॉक्स में गाली गलौज तो शुरू करेंगे ही, मुझे पता ही है, तो उससे मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्टडी मोर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।